नमस्कार, मैं डॉक्टर अशोक त्रिपाठी आपका स्वागत करता हूँ अपने चैनल हिस्ट्री कल्चर हिस्टोरियोग्राफी एंड रिसर्च मेथोलॉजी में। दोस्तों, हिंदी साहित्य के इतिहास के श्रृंखला में आज का जो टॉपिक है वो है मुक्तबोध की कविता अंधेरे में का शिल्प विधान। तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं मूलतः इतिहास का विद्यार्थी हूँ, लेकिन हिंदी साहित्य में भी मेरी गहरी रुचि है, इसलिए हिंदी साहित्य पर भी कुछ वीडियोस मैं पिछले कुछ समय से बना रहा हूँ। तो मित्रों, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में एक बहुचर्चित कविता है और बहुत सारी प्रतियोगिता परीक्षाओं में यह कविता पाठ्यक्रम में सम्मिलित है। अतः बहुत सारे विद्यार्थियों का आग्रह था कि इसके शिल्प विधान के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो इसके लिए मैंने प्रयास किया है। और इसके पहले कि हम इस पर चर्चा प्रारंभ करें, आपसे एक बार फिर से विनम्र निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो आइए प्रारंभ करते हैं चर्चा। मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में का शिल्प विधान। तो मित्रों, अंधेरे में मुक्तिबोध की अंतिम कविता है और ये मुक्तिबोध की सबसे लंबी कविताओं में है। मुक्तिबोध आमतौर पर छोटी कविताएं, उनकी रचना प्रक्रिया को अगर आप देखेंगे तो मुक्तिबोध छोटी कविताएं नहीं लिखते थे, वो लंबी लंबी कविताएं ही लिखा करते थे। और तो इसी तरह से अंधेरे में भी जो है एक बहुत लंबी रचना है। और तो मुक्तिबोध इस कविता में बिंबों के माध्यम से, प्रतीकों के माध्यम से बहुत कुछ कहते हैं। और तो एक तरह से कविता में अनेक घटनाएं हैं, अनेक नाटकीय मोड़ हैं जो कि इस कविता की विशिष्टता है। मित्रों, बहुत सारे आलोचक जो है इस कविता को अलग-अलग ढंग से समझने का प्रयास करते हैं, अलग अलग ढंग से पहचानने की कोशिश करते हैं। और देखा जाए तो ये कविता इस देश के आधुनिक जन इतिहास का एक ज्वलंत दस्तावेज है। इसमें बहुत सारी घटनाएं हैं इस तरह की जिन्हें देख करके पाठक को ऐसा लगता है जैसे कि वो एक तिलस्म में खो गया है। आधुनिक की ये सबसे आधुनिक युग की ये सबसे बढ़िया कविता मानी जाती है। जैसा कि शमशेर बहादुर सिंह कहते हैं कि इसके मुकाबले की और कोई दूसरी कविता नहीं है। और श्रीकांत वर्मा जो है वो ये कहते हैं कि वास्तव में इस कविता को पहचानने में बहुत लंबा समय लग गया और अब जाके मनु को पहचाना गया जबकि देश अंधेरे में जा चुका है। तो इस तरह से अलग-अलग व्यक्तियों ने इस कविता के बारे में अलग-अलग विचार व्यक्त किए हैं और बहुत लोगों ने इस कविता के ऊपर जो है अध्ययन किया है। जैसे अशोक चक्रधर हैं, उन्होंने मुक्तिबोध की काव्य प्रक्रिया नामक पुस्तक लिखी है जिसमें उन्होंने इस कविता की भी समीक्षा की है। डॉक्टर नामवर सिंह इस कविता को नई कविता की चरम उपलब्धि कहते हैं और भी बहुत सारे आलोचक हैं जैसे मैंने शमशेर बहादुर सिंह, श्रीकांत वर्मा इत्यादि का नाम लिया। डॉक्टर रामविलास शर्मा जैसे मूर्धन्य आलोचक भी इस कविता की प्रशंसा करते हुए अघाते नहीं हैं। और इस कविता को डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो एक उत्कृष्ट प्रगतिशील कविता मानते हैं। तो इस तरह से मित्रों, ये बात बड़ी विडंबनापूर्ण है कि जिस व्यवस्था में व्यवस्थित होने के लिए मुक्तिबोध जीवन भर संघर्ष करते रहे उसमें वो स्वयं उतने सफल नहीं हो पाए, लेकिन उनकी कविताएं उसमें सफल हुई और उनके मन में, उनकी कविताएं पढ़ने पर ऐसा हम देखते हैं कि उनके मन में निश्चित रूप से काफी आक्रोश भरा हुआ था। वो टूटते रहे और अंत में टूट ही गए
और मुक्तिबोध का जीवन अगर हम देखें, उनकी जीवनी अगर हम पढ़ें, उस पर दृष्टि डालें, तो हम ये देखते हैं कि बचपन से लेकर मृत्यु पर्यंत उन्होंने बड़ा कष्टप्रद जीवन बिताया था, गरीबी और अव्यवस्था का सामना किया था। और उनके पिता जो है उन्हें वकील बनाना चाहते थे, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। अभी तो हम ये कह सकते हैं कि अपने कविता के माध्यम से वो गरीबों और दलितों के मसीहा बन गए, और मनोविज्ञान, तर्कशास्त्र, दर्शन शास्त्र जैसे गूढ़ विषयों में खो गए। तो इस तरह से मुक्तिबोध जो थे, वो उनका जीवन हम अगर ये देखें तो उसमें असफलता भी थी, उसमें रिक्तता भी थी, उसमें पिपासा भी थी, और इसी पिपासा ने उन्हें एक सफल कवि के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया। वो समाज के सर्जक बने, और एक तरह से कहा जाए तो आधुनिक हिंदी कविता में मील के पत्थर बन गए। मुक्तिबोध की कविता जो है वो असुरक्षित जीवन की कविता है, और उसमें भावबोध की अस्थिरता और विचारों का उलझाव है। उनकी कविता के शिल्प विधान की बात करने से पहले हम देखें कि उनकी कविता है क्या। वास्तव में अंधेरे में कविता जो है वो एक फैंटेसी है, और मुक्तिबोध की रचना प्रक्रिया के सांस्कृतिक होने पर बल देते हुए उसे एक खोज माना जाता है। तो इस तरह से उनके ऊपर हम देखें तो उनके ऊपर जो है मार्क्सवाद का काफी प्रभाव था, और बल्कि पूरा ही प्रभाव था। मार्क्स क्या कहता था? मार्क्स के अनुसार काव्य का सृष्टा कोई स्वप्न दृष्टा मानव नहीं है, बल्कि दैनंदिन जीवन के संघर्षों में संलग्न आर्थिक परिस्थितियों से पूर्णतः प्रभावित और उससे जूझता हुआ यथार्थवादी मानव है। मनुष्य के मस्तिष्क में प्रादुर्भूत विभिन्न कल्पनाएं, शब्द, चित्र एवं बिंब उनके दैनंदिन जीवन की आर्थिक परिस्थितियों, संघर्षों एवं उत्पादन प्रणालियों की ही देन है। तो इस तरह से मार्क्स जो है वो यह भी कहते हैं कि आर्थिक परिस्थितियां ही एकमात्र कारणभूत एवं सक्रिय सर्जक प्रेरक शक्ति है, शेष सब कुछ सर्वथा निष्क्रिय है। मार्क्स आगे कहते हैं कि सत्य तो यह है कि आर्थिक परिस्थितियां यदि कलाओं की उत्पत्ति और उनके विकास के लिए जिम्मेदार हैं, तो वे स्वयं भी कलाओं से प्रभावित होती हैं। तो इस प्रकार मार्क्स के अनुसार साहित्य एवं जीवन अन्योन्याश्रित हैं। तो मुक्तिबोध की कविता में हम मार्क्स के इन विचारों को अच्छी तरह से देख सकते हैं, समझ सकते हैं। मित्रों, मुक्तिबोध के बिंब विधान के बारे में हम बात करें तो बिंब क्या है, पहले यही समझें। बिंब जो है वो एक तरह का शब्द चित्र होता है। आप कह सकते हैं कि बिंब वह शब्द चित्र है जो कल्पना के द्वारा ऐन्द्रिय अनुभवों के आधार पर निर्मित होता है। वह व्यक्ति की चेतना के आधार पर एक प्रकार का जीवित कला बोध है। मुक्तिबोध की कविता में आपको बिंबों की एक पूरी श्रृंखला मिलेगी, और इस श्रृंखला में बिंबों के माध्यम से उन्होंने जीवन के यथार्थ का चित्रण किया है। बहुत सारी जो आतंकपूर्ण परिस्थितियां होती हैं, भयावह परिस्थितियां होती हैं, दुर्निवार स्थितियां होती हैं, उन सबको बिंबों के माध्यम से बहुत सशक्त ढंग से उन्होंने प्रकट किया है। मित्रों, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में ऊपरी तौर पर घटनाओं और विवरणों से भरी पड़ी है, और लेकिन कहीं इसका एहसास नहीं होता कि हम विवरण की
सपाटता में फंस गए हैं, क्योंकि यहाँ हर घटना और व्यवहार जो है वो पूरा एक बिंब है, उसके अंदर शब्दों के छोटे छोटे लयात्मक बिंब भी भरे हुए हैं। तो वो एक तरह से आप कह सकते हैं कि सारा लंबा बिंब अंदर से टिमटिमाता हुआ और अंत में अर्थ सौंदर्य के विस्फोट प्रकाश से चमक उठता है। उनकी बिंब विधान की विशिष्टता ने ही उनकी कविता को नया आयाम दिया और साथ ही साथ उनके दार्शनिक विचारों को काव्यगत विचार में परिणत करने की क्षमता जो है वो बिंब विधान के कारण ही आई। काव्य बिंब के स्वरूप के विभिन्न आयामों से उनकी कविता जो है वो सुसज्जित है, इसलिए उसे हम अलग अलग प्रकार से समझ सकते हैं। उनके जो बिंब हैं वो कई तरह के हैं, जैसे भौतिक जीवन के क्षेत्रों से लिए गए बिंब हैं, इंद्रियता के आधार पर लिए गए बिंब हैं, जैसे चाक्षुष बिंब, श्रव्य बिंब, घ्रातव्य बिंब, आस्वाद्य बिंब और स्पर्श बिंब। इसी तरह से कुछ बिंब उनके जो हैं वो मनोवैज्ञानिक आधार वाले बिंब हैं, जैसे स्मृति बिंब। इन्हीं आधारों पर मुक्तिबोध के बिंब विधान की समीक्षा की जा सकती है। मुक्तिबोध ने बिंबों के माध्यम से मानव जीवन की कुंठा, संतराश, उच्छृंखलता, तनाव, घुटन, निराशा, अनास्था, कटु अनुभवों इत्यादि को बहुत ही शक्तिशाली ढंग से प्रस्तुत किया है। और उनके जो बिंब हैं वो मन स्थिति को पूरी तरह से व्यंजित कर देते हैं। अंधेरे में कविता में आए जो बिंब हैं वो काफ़ी नवीनता लिए हुए हैं और मानव मन की जटिलता, उसके अवचेतन स्वरूप को अच्छी तरह से व्यक्त करते हैं। अब जैसे आप एक उदाहरण देखिए विवृत बिंब का, कि भूमि की सतहों के बहुत नीचे अंधियारी एकांत प्राकृत गुहा एक विस्तृत खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक। इसी तरह से उनके बहुत सारे जो बिंब हैं वो प्रकृति से संबंधित हैं, प्रकृति विषयक बिंब उनको कहा जा सकता है। यहाँ पे आपको पठार, बीहड़, घाटियाँ, गुफाएं, टीले, दर्रे, चट्टाने, जंगल, बावड़ी, बरगद, समुद्र इत्यादि आपको दिखाई देंगे। तो ये बिंब जो हैं ये प्रतीकात्मक हैं और इनके माध्यम से जो मुक्तिबोध के काल की जो समकालीन विसंगतियाँ थी, जो क्रूरताएं होती थी, उनको पूरी तरह से व्यक्त किया गया है। अंधेरे में कविता में तुंग शिखर वैचारिक एवं सैद्धांतिक उच्चता का प्रतीक है। तो पर्वत संधि के गह्वर जो है वो बड़ी बड़ी कठिनाइयों, मानसिक दुविधाओं के प्रतीक हैं। अब जैसे एक उदाहरण देखिए, बिठा देता है वह तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कगार तट पर, शोचनीय स्थिति में ही छोड़ देता मुझको, कहता है पार करो पर्वत के संधि के गह्वर, रस्सी के पुल पर चलकर दूर उस शिखर कगार पर स्वयं ही पहुंचो। मित्रों, मुक्तिबोध की कविता अंधेरे में वैसे तो तरह तरह के बिंब हमें मिलते हैं, लेकिन फिर भी जो बिंब सबसे ज़्यादा हमें प्रभावित करते हैं वो बिंब पीड़ा के, आतंक के, संतरास के हैं। और इन बिंबों में भयावहता, मृत्यु, आशंका, भयंकर उत्पीड़न, खौफनाक वारदात, असह्य घुटन और विचित्र रहस्यमयता इत्यादि पूरी तरह से निरूपित हुए हैं, जैसा कि बहुत सारे आलोचकों ने लिखा है। तो ऐसे जो बिंब हैं, जो संतरास के बिंब हैं, वो जीवन के कटु यथार्थ
का चित्रण करते हैं। वह कोलतार पथ अथवा मरी हुई खिंची हुई कोई काली जिह्वा, बिजली के द्युतिमान दिए सा मरे हुए दांतों का चमकदार नमूना। इसी तरह से हम ये देखते हैं कि मुक्तिबोध के काव्य में बहुत सारे बिंब जो हैं वो तकनीकी वैज्ञानिक और काव्य शास्त्रीय या ज्ञान विज्ञान से संबंधित हैं। और जैसे आप एक उदाहरण देखिए कि बिजली के फूल बनाने की कोशिश करता हूँ, रश्मि विकिरण मेरे भी प्रस्तर करते हैं प्रतिक्षण, रेडियो एक्टिव रत्न हैं वे। और साथ ही साथ आप देखिए कि जासूसी अय्यारी जादू टोना मंत्र इत्यादि से संबंधित बिंब भी आए हैं, जैसे भूत प्रेत दानव भैरव पिशाच पेड़ ब्रह्म राक्षस जंगली मैमथ और आंगुटांग। तो इस तरह के बिंब भी जो है हमें दिखाई देते हैं, बिल्ली के सफ़ेद धब्बे सी चांदनी, इसी तरह से बरगद सिंदूर पुता भैरव, भयानक तस्वीरें रक्ता लोक स्नात पुरुष, लाल लाल कोहरा, मरी हुई खिंची हुई काली जिह्वा इत्यादि जैसे भयंकर बिंब जो है उनका प्रयोग मुक्तिबोध ने अपनी कविता अंधेरे में किया है। तो कई बार बिंबों की पुनरावृत्ति भी होती है, जिसे आलोचकों ने मुक्तिबोध की कमजोरी कहा है। लेकिन साथ ही साथ ये है कि नए नए बिंबों की रचना करना जो है वो उनके काव्य की सामर्थ्य भी है। तो बहुत सारे बिंब जो हैं वो हम ये देखते हैं कि व्याकरण से भी संबंधित हैं, जैसे किसी काले डैश की घनी काली पट्टी ही आंखों पर बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर टांग दिया गया। तो यहाँ हम ये देखते हैं कि भाषा व्याकरण से भी बिंब लिए गए हैं। इसी तरह से ढेर सारे रंग जो हैं वो भी मुक्तिबोध को जो पसंद थे और एक्सक्यूज मी, तो उनके माध्यम से उन्होंने जो परिस्थितियाँ थी वो तो परिस्थितियों की भयावहता को दिखाने का प्रयास किया है। जैसे काले काले घोड़ों पर खाकी मिलिट्री ड्रेस, चेहरे का आधा भाग सिंदूरी गेरुआ, आधा भाग कोलतारी भैरव आबदार। यहाँ हम देखते हैं काला स्याह सांवला सिंदूरी नीला लाल आदि रंग जो है वो ऐसा लगता है कि उन्हें बहुत प्रिय थे और इनको जो है वो बिंबों के रूप में प्रयुक्त करते थे। इसके अलावा आधुनिक जीवन संबंधी बहुत सारे बिंब हमें मिलते हैं, जैसे स्पर्श बिंब चाक्षुष बिंब इत्यादि। चाक्षुष बिंब का एक उदाहरण देखिए, जैसे सामने मेरे सर्दी में बोरा ओढ़कर कोई एक अपने हाथ पैर समेटे कांप रहा हिल रहा वह मर जाएगा। इसी तरह से स्पर्श बिंब का उदाहरण आप देख सकते हैं कि बालक लिपटा है मेरे गले से चुपचाप, छाती से कंधे से चिपका है नन्हा सा आकाश, स्पर्श है सुकुमार प्यार भरा कोमल किंतु भार का गंभीर अनुभव। तो इस तरह से मित्रों हम ये देखते हैं कि बिंब विधान में मुक्तिबोध से बड़ा कोई दूसरा कवि हमें नहीं दिखाई देता। हमें महाकवि निराला की याद आती है, जैसे राम की शक्ति पूजा में उन्होंने जिस तरह का बिंब विधान किया है, तो उसी तरह का बिंब विधान हमें मुक्तिबोध की कविताओं में भी दिखाई देता है, खास करके अंधेरे में कविता। अब आइए हम प्रतीक विधान की बात करते हैं। प्रतीक क्या है? प्रतीक काव्य संप्रेषण का वह उपकरण है जो काव्य को कथ्यात्मक अर्थ प्रदान करता है और साथ ही साथ ऐसा करने के लिए वह तुलनात्मक संयोजन की विधि को अपनाता है। प्रतीक एक तरह की शब्द ध्वनि है जो अपने सामान्य या विशिष्ट अर्थ का प्रयोग किसी अन्य अदृश्य भाव विचार संवेग या अनुभूति को अभिव्यंजित करने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो प्रतीक विधान जहाँ तक है मुक्तिबोध का, हम ये देखते हैं कि जैसे हमने पहले ही कहा कि मार्क्सवादी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित थे मुक्तिबोध, तो मार्क्सवादी चेतना से अनुप्रेरित रचनाकार अपने द्वंद्वात्मक भौतिकवादी दर्शन को प्रतीकात्मकता
प्रदान करते हैं प्रतीक, या कह लीजिए कि प्रतीकों के प्रयोग से उसको प्रकट करने का प्रयास करते हैं। मार्क्सवादी चेतना से अनुप्राणित थे मुक्तिबोध, और मुक्तिबोध के प्रतीक भी प्रत्येक संदर्भ में निश्चित विचारधारा को अभ्यंजित करते हुए एक लक्ष्य लेकर के आगे बढ़ते हैं। और यह प्रतीकात्मकता न केवल काव्यात्मक शब्द रचना में है, बल्कि शीर्षक एवं पद्यांश में भी व्याप्त है। इसलिए उनकी योजना को मात्र विभिन्न आधारों पर वर्गीकृत करना उनकी अपूर्ण व्याख्या होगी। मुक्तिबोध प्रतीकों के अर्थगत कथ्य विश्लेषण की का प्रयास करते हैं, और कि मुक्तिबोध की कविता इस तरह से हम कह सकते हैं कि प्रतीक धर्मी है, इनके जो बिंब हैं वो भी प्रतीकात्मक हैं, और आदिम पौराणिक ऐतिहासिक सांस्कृतिक दार्शनिक औद्योगिक वैज्ञानिक सभी तरह के प्रतीक हमें यहाँ पे मिलते हैं इनकी कविता में। और अब जैसे आप देखिए, कोई अनजानी अनपहचानी आकृति कौन वह दिखाई जो देता पर नहीं जाता है, नहीं जाना जाता है कौन मनु। तो नहीं जाना जाता है कौन मनु, तो मुक्तिबोध द्वारा मनु शब्द का प्रयोग बहुत सारे जो साहित्य के आलोचक हैं तो उनमें एक विवाद का विषय है ये। डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है वो उनको मुक्तिबोध के मनु और कामायनी के मनु में साम्यता नजर आती है, समानता नजर आती है, लेकिन नामवर सिंह जो है वो ये कहते हैं कि मुक्तिबोध का मनु सामान्य मनुज है और कवि की खोई हुई अस्मिता का प्रतीक है, जिसको ढूंढने का प्रयास ही इस कविता का मूल कथ्य है। यानी नामवर सिंह ये मानते हैं कि अस्मिता की खोज ही जो है इस कविता का मूल कथ्य है। और इसी तरह से आप देखिए, जैसा कि नाम है इस कविता का नाम ही है अंधेरे में, तो अंधेरे का प्रयोग भी जो है एक प्रतीक के रूप में हुआ है यहाँ पे। और ये अंधेरा जो है सामाजिक अव्यवस्था और व्यक्ति मन की पीड़ा को प्रकट करता है। तो ये प्रतीक जो है ये अर्थ हैं इस प्रतीक के, अंधेरे के। तो अंधेरा जो है वो सामाजिक विरूपता का भी अंधेरा है और कवि के अवचेतन मन का भी प्रतीक है। अंधेरा प्रतीक है मध्यवर्गी संस्कारों की विवशता का, समझौता परक या समझौता परस्ती का कह लीजिए आप। अंधेरा प्रतीक है अवसरवादिता का, अंधेरा जो है वो एक दुर्भेद्य तिलस्म की तरह है। ये अंधेरा जो है वो मनुष्य के सामर्थ्य को समाप्त कर देता है, उसकी शक्ति को समाप्त कर देता है, उसकी संभावनाओं को समाप्त कर देता है। अब तिलस्मी खोह जो है वो प्रतीक है मानसिक संघर्ष के आकारहीन स्थान का। इसी तरह से रक्तालोक स्नात पुरुष कवि के ही अब तक न पाई गई अभिव्यक्ति का प्रतीक है। जब तालाब के काले जल से उस प्रकाश में पुरुष की आकृति उभरी तो कवि उसे पहचान नहीं पाया। तो इस तरह से मित्रों, अब जैसे अभी बिंब विधान में भी मैंने आपको बताया, एक उदाहरण दिया था कि वह बिठा देता है तुंग शिखर के खतरनाक खुरदुरे कगार तट पर। तो यहाँ आप देखिए, ये भी जो है एक प्रतीक है, जो प्राकृतिक उपादान है उनको भी प्रतीक के रूप में प्रयोग करते हैं मुक्तिबोध। और तो तुंग शिखर क्या है? ये तुंग शिखर जो है वैचारिक और सैद्धांतिक उच्चता का प्रतीक है। इसी तरह से आप देखें, रस्सी का पुल शब्द का प्रयोग उन्होंने किया है। रस्सी का पुल जो है वो भी एक प्रतीक है, ये उपाय और सक्रियता का प्रतीक है। इसी तरह से शिखर कगार जो है उच्च लक्ष्य का परिचायक है।
तो छोटी छोटी बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनका प्रतिदिन हम प्रयोग करते हैं अपने जीवन में, और तो उनको भी प्रतीक के रूप में मुक्ति बोध ने ग्रहण किया है। जैसे आप देखिए, वो कहते हैं, जंग खाई हुई दरवाजे की सिटकिनी व्यर्थ हो चुकी परंपराओं एवं अंध रूढ़ियों का संकेत देती है। जंग खाई हुई जबरन सिटकिनी हिलाकर जोर लगाकर दरवाजा खोलता झांकता हूं बाहर। इसी तरह से मुक्ति बोध जो थे वो बहुत सारे लेखकों से, अपने समय के बहुत सारे महापुरुषों से प्रभावित थे, जिनमें टॉलस्टॉय, तिलक, गांधी इत्यादि थे, और उनको भी उन्होंने प्रतीक के रूप में ग्रहण कर लिया है। इसी तरह से मित्रों, जैसे आप एक उदाहरण दें, गांधी जी जो है वो अंधेरे में कविता में आए हैं, जो कि आप देखते हैं कि एक शिशु को सौंपते हैं और उसे संभाल कर रखने का आदेश देते हैं। यह शिशु कौन है? यह शिशु जो है वो नव्य गांधीवादी विचारों का प्रतीक हो सकता है। और डॉक्टर इंद्रनाथ मदान एवं डॉक्टर रामविलास शर्मा जो है इसे दायित्व बोध का प्रतीक मानते हैं। डॉक्टर जगदीश कुमार क्रांति का प्रतीक मानते हैं। अब लिखते हैं ना, बोरा ओढ़े गांधी को निस्सहाय दिखलाकर कवि ने आज के समय में अप्रासंगिकता को उभारने का प्रयास किया है। गांधी क्या कहते हैं? गांधी देखिए, गांधी कहते हैं कि हम हैं गुजर गए जमाने के चेहरे, आगे तू बढ़ जा। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि कवि जो है उसका जो प्रतीक विधान है वो बहुत ही उच्च कोटि का है। यांत्रिक सभ्यता का प्रतीक भी आपको यहाँ दिखाई देगा, जिसे पास आती हुई घरती गूंजती किसी रेलगाड़ी के पहियों की आवाज। इसी तरह से आप देखिए, विज्ञान से संबंधित प्रतीक भी हैं। विस्तृत खोह के सांवले तल में तिमिर को भेद कर चमकते हैं पत्थर, मणि तेजस्क्रिय रेडियो एक्टिव रत्न भी बिखरे, झरता है जिन पर प्रबल प्रपात एक। और एक और प्रतीक बहुत ही महत्वपूर्ण है, जो आलोचकों ने जिसकी ओर हमारा ध्यान खींचा है, वो है बरगद। बरगद का अर्थ जो है वो बहुत सारे आलोचकों ने जो है ये लगाया है कि वो सर्वहारा वर्ग का प्रतीक है। क्यों? क्योंकि इसके नीचे बैठ कर के आप देखिए, बरगद जो है वो विशाल है, शीतलप्रद है, इसके नीचे बैठ कर भूखे प्यासे गरीब अपनी थकान मिटाते हैं और कवि एवं कलाकार एक संघर्ष चेतना प्राप्त करते हैं। यहाँ जो है एक सिरफिरा पागल की बात भी कही गई है अंधेरे में कविता में। सिरफिरा पागल जो है वो विभिन्न आलोचकों के अनुसार जो है वो स्वयं जो है क्रांति चेतना से युक्त कवि का ही प्रतीक है। बहुत सारी संतरासमयी परिस्थितियों को भी प्रतीकों के माध्यम से दिखाया गया है, जैसे पकड़ कर कालर गला दबाया गया, चांटे से कनपट्टी टूटी कि अचानक त्वचा पूरी उखड़ गई, त्वचा उखड़ गई गाल की पूरी। और कमल जो है वो उसका भी प्रतीक प्रयुक्त किया गया है। काव्य परंपरा का एक बहुप्रयुक्त प्रतीक है, अधिकांशतः इसका प्रयोग सौंदर्य वादी कविताओं में या सौंदर्य रचनाओं में हमें देखने को मिलता है। और लेकिन यहाँ क्या है, यहाँ जो है अंधेरे में कविता में यह कमल जो है वो लक्ष्य प्राप्ति का प्रतीक है। तो वो कहते हैं कि अब अभिव्यक्ति के खतरे उठाने ही होंगे, तोड़ने ही होंगे मठ और गढ़ सब, पहुँचना होगा दुर्गम पहाड़ों के उस पार, तब कहीं देखने मिलेंगी बाहें जिसमें कि प्रतिपल कांपता रहता अरुण कमल एक। तो मुक्तिबोध की रंग चेतना जो है वो भी प्रतीकात्मकता लिए हुए है। सियाह, काला, सांवला, अंधियाला रंग भयानक और रहस्यपूर्ण वातावरण को व्यंजित करते हैं। इसी तरह से भूरा, खाकी, सफ़ेद एवं पीला रंग शोषित स्थिति को दर्शाते हैं। नीला रंग उत्साह एवं साहस का प्रतीक है। तो विद्युत रक्त या लाल रंग जो है ये क्रांति धर्मिता का प्रतीक है और आशा और उत्साह का प्रतीक है। इसी तरह से सूर्य जो है वो क्रांति किरणों का स्रोत है।
या कह लीजिए कि क्रांति के बोध का प्रतीक है। तो इस तरह से मित्रों हम यह देखते हैं कि मुक्तिबोध का प्रतीक विधान जो है वो भी उच्च कोटि का है। अब जैसे उनका एक उदाहरण देखिए, तल घर अंदर छिपे हुए प्रिंटिंग प्रेस को खोजो, जहाँ चुपचाप ख्यालों के पर्चे छपते रहते हैं, बांटे जाते। इस संस्था के सेक्रेटरी को खोज निकालो, शायद उसका ही नाम हो आस्था। कहाँ है सरगना इस टुकड़ी का, कहाँ है आत्मा। स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता, क्रॉस एग्जामिन हिम थारोली। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मुक्तिबोध जो है उनका प्रतीक विधान बहुत उच्च कोटि का। थोड़ी सी बात उनकी भाषा शैली के ऊपर कर लें तो हमने ये देखा है मित्रों कि मुक्तिबोध की जो भाषा है वो, उसके बारे में बहुत सारे आलोचकों ने तरह तरह की बातें की है। उसमें उनकी भाषा में आपको नफासत भी मिलेगी, उनकी भाषा में आपको सुथरापन भी मिलेगा, उनकी भाषा जो है कहीं अभिजाती हो जाती है, परिमार्जित हो जाती है, तो कहीं जो है अनगढ़ है। उसमें एक तरह का खुरदुरापन है, उसमें एक तरह का नुकीलापन है। तो मुक्तिबोध की भाषा जो है वो, मुक्तिबोध स्वयं कहते थे कि मुझे सात संवार की, जैसे उन्होंने नेमचंद्र जैन को एक पत्र लिखा था तो उसमें उन्होंने कहा था कि मुझे सात संवार की प्रतिष्ठित बोली पसंद नहीं, छोटी सी फ्रेज, कोई चुस्त जबानबंदी, झट नोट कर लिया करता हूँ। बिल्कुल शाह के लेडी ऑफ द डार्क के शेक्सपियर की भांति। तो मुक्तिबोध की भाषा चाहे जैसी भी हो लेकिन उसमें एक तरह का सम्मोहन है, वो मोह लेने वाली भाषा है। मुक्तिबोध की भाषा बहुत सशक्त है और जो भी विचार या भाव, अब जैसे अभी हमने उनके बिंब विधान और प्रतीक विधान की चर्चा की, तो हम ये देखते हैं कि वो जो कुछ भी व्यक्त करना चाहते हैं वो अपनी भाषा के माध्यम से उसको व्यक्त कर देते हैं। तो उनकी भाषा जो है वो बहुत ही सशक्त है, बहुत ही उपयुक्त है, बहुत ही परिमार्जित है। तो मुक्तिबोध की काव्य भाषा जो है वो, अब कुछ आलोचक जो है वो इस तरह से भी कह देते हैं कि वो उनकी भाषा पढ़ने पे ऐसा लगता है जैसे वो भाषा तनाव की भाषा है, आतंक की भाषा है और इस तरह से। लेकिन जो भयावह और रहस्यमय परिस्थितियों का चित्रण वो करना चाहते हैं तो उसके लिए जो है जिन बिंबों मिथकों इत्यादि का उन्होंने प्रयोग किया है, तो हम ये देखते हैं उनकी भाषा जो है वो उसी के हिसाब से बदलती रहती है। और मूल उद्देश्य उनका यह था कि वो जो कुछ भी कहना चाहते हैं वो अच्छी तरह से उसको कह लें। अब जैसे अंधेरे में कविता में मार्शल लॉ की बात की गई है, खौफनाक दमन की बात की गई है, और इसमें टैंक दल मोर्टार आर्टिलरी इत्यादि की बात की गई है, भैरव की बात की गई है, वो तमाम तरह तरह की बातें की गई हैं। तो हम ये देखते हैं कहीं कहीं अंग्रेजी शब्दों का भी प्रयोग कर किया है। अब जैसे कहते हैं ना, स्क्रीनिंग करो मिस्टर गुप्ता थारोली। तो डॉक्टर नामवर सिंह कहते हैं कि मुक्तिबोध ने भाषा को एक नया तेवर दिया है जो नई कविता की सामान्य काव्य भाषा की तुलना में काफी अनगढ़ और बेडौल लगती है। इसी तरह से डॉक्टर नामवर सिंह जो है वो राम की शक्ति पूजा की जो तत्सम शब्दावली है निराला की, उससे मुक्तिबोध की भाषा की तुलना करते हैं। तो वो ये कहते हैं कि मुक्तिबोध की भाषा में भी जो है राम की शक्ति पूजा की भाषा की तरह तत्सम शब्दावली भी मिलती है और सामान्य बोलचाल की भाषा का भी प्रयोग जिस तरह से निराला जी ने किया है, तो वही बात वो मुक्तिबोध में भी देखते हैं। तो अब भाषा, बहुत सारे आलोचक ये कहते हैं कि उनकी भाषा अनगढ़ है और तो इस तरह का आरोप उनके ऊपर लगाया जाता है उनकी भाषा जो है, लेकिन भाषा चाहे जैसी भी हो लेकिन उनकी भाषा बहुत समर्थ है और जो भी भाव वो व्यक्त करना चाहते हैं उसको व्यक्त करने में वो भाषा पूरी तरह से कामयाब है, पूरी तरह से समर्थ है। तो जहाँ जैसी परिस्थिति है उसी तरह की भाषा का उन्होंने प्रयोग
किया है अपनी कविता में। तो मित्रों, इसी तरह से मुक्तिबोध के अलंकार योजना की बात करें, या जिसे अप्रस्तुत विधान भी कहा जाता है, तो कविता में कथ्य की संप्रेषणीयता को सार्थक एवं रमणीय शैली में प्रस्तुत करने के लिए अप्रस्तुत वस्तु योजना की जाती है। अप्रस्तुत स्वयं कविता की वर्ण्य वस्तु नहीं होता, बल्कि उस वर्ण्य वस्तु को हम ये कह सकते हैं कि यथार्थवादी मर्मस्पर्शी बनाने में सहायक होता है। तो यहाँ मुक्तिबोध का जो काव्य है उसमें अप्रस्तुत विधान जो है वो शास्त्रीय पद्धति से विश्लेषण की मांग नहीं करती है, क्योंकि उनके अलंकारों का प्रयोग जो है वो आचार्यत्व का प्रतिपादन करने के लिए नहीं है। मुक्तिबोध ने अलंकार की अपेक्षा बिंब और प्रतीकों पर अधिक जोर दिया था, फिर भी उनका जो काव्य है वो सर्वथा, हम ये नहीं कह सकते कि उनका काव्य अलंकार शून्य है। और बहुत सारे अलंकारों का, जैसे उत्प्रेक्षा अलंकार का एक उदाहरण आप देखिए कि किसी काले डैस की घनी काली पट्टी हो आँखों में बंध गई, किसी खड़ी पाई की सूली पर मैं टांग दिया गया। इसी तरह से मानवीकरण अलंकार भी हमें मिलता है। अब जैसे नपुंसक श्रद्धा सड़क के नीचे गटर में छिप गई, कहीं आग लग गई कहीं गोली चल गई। उपमा अलंकार हम देखते हैं, आसमां झांकता है लकीरों के बीचों बीच, वाक्यों की पातों में आकाश गंगा सी फैली। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि उनकी जो भाषा थी वो भाषा जो है बहुत ही उच्च कोटि की थी। और तो मित्रों, इस तरह से मुक्तिबोध जिस चीज को व्यक्त करना चाहते थे, जो बात अगर हम उनके काव्य के कथ्य की बात करें, तो मुक्तिबोध का जो सारा काव्य था वो सामाजिक अंतर्द्वंद के मानसिक संघर्ष की मार्मिक अभिव्यक्ति को व्यक्त करता है। उनकी कविता जो है वो आत्मान्वेषण और आत्मसंशोधन में रत है। तो इस तरह से हम ये देखते हैं कि मुक्तिबोध जो थे, ऐसा नहीं था कि मुक्तिबोध में जो हम ये कह सकते हैं कि मुक्तिबोध की जो कविता थी वो कविता जो है जीवन के प्रश्न से जुड़ी हुई थी, इसलिए कविता उनके लिए मस्तिष्क का आवेश न होकर के जीवन के जटिलतम विचारों और संवेदनाओं की अभिव्यक्ति का माध्यम थी। और उनकी कविता जीवन के यथार्थ को प्रकट करती थी। और जहाँ तक मार्क्सवादी दृष्टिकोण का प्रश्न है, तो मार्क्सवादी दृष्टिकोण न केवल जनजीवन की यथार्थ जन्य अनुभूति के निकट था, बल्कि वह एक वैज्ञानिक मूर्त एवं तेजस्वी दृष्टिकोण भी था उस समय। तो मुक्तिबोध जो है वो शोषक वर्ग के प्रति जो घृणा थी आम जन में, उसको व्यक्त करते हैं। और उन्होंने जो है पूंजीपति समाज के जो शोषक स्वरूप की तुलना की है, वो उन्होंने बर्बर फौज के खूनी चेहरे कंस के क्रूर चरित्र से की है। चंबल की घाटी कविता में मुक्तिबोध ने पूंजीवादी वर्ग की तुलना एक ऐसे यात उदाहरण से की है जिसने संघर्षशील शोषित वर्ग के सुख सुविधाओं का लालच देकर उसकी गतिमयता एवं व्यक्तिगतता से उसको वंचित कर दिया है, जड़ बना दिया है। तो मुक्तिबोध जो है वो शोषित जनजीवन, शोषित शिशु, शोषित नारी, वर्ग संघर्ष आदि का चित्रण करते हैं। तो उनका जो संग्रह है चांद का मुंह टेढ़ा है, उसमें बहुत सारी कविताएं इस तरह की हैं। और तो अंधेरे में कविता जो है वो विशिष्ट है, अंधेरे में कविता जो है वो
बहुत सारे लोगों ने, अब जैसे एक आलोचक ने लिखा है कि आत्म साक्षार के द्वंद की पारदर्शी कविता है, और तो मुक्तिबोध ने अपनी इस अंतिम कविता अंधेरे में अत्यंत भावरसता के साथ आत्म संघर्ष को उभारा है, और यह संघर्ष जो है वो कई स्तरों पे चलता है। तो इस तरह से मित्रों, उम्मीद है कि चूंकि अब वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए हम और ज़्यादा बातचीत इस पर नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा जो मुख्य उद्देश्य था वो केवल शिल्प विधान के ऊपर था, जिसमें हमने उनकी रचना प्रक्रिया और बिंब विधान, प्रतीक विधान, अलंकार विधान, भाषा तथा शब्द योजना इत्यादि पर हमने चर्चा की, और उम्मीद है कि आपको ये चर्चा पसंद आई होगी। और अगर आपको ये चर्चा पसंद आई हो तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के ऊपर अपना कमेंट भी अवश्य करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।